दोनों ओरिजिनल है। मैं बताता हूँ, फर्क भी बताओ ना। फर्क भी बताऊंगा। बेहतरीन लकड़ी कौन सी है? मैंने खेलना है, पैसे भी हैं, बजट भी है। अब आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, रावला को या को कौन? अब फुल कैन का फायदा क्या है ये भी सुनो आप। बैट किस तरह सिलेक्ट करना चाहिए? तो बैट किस तरह चेक करें? ये रावला कोट है, प्लेन में चौक का बैट नहीं बन सकता। साइड के एरिया में ग्रेन्स नहीं होते, जिस तरह साइड की लकड़ी का बैट है। हाँ, नए बंदे को समझाना बहुत ही मुश्किल है। हैंडल में रबर्स नजर आ रहे हैं आपको? जो हल्के बैट है उनमें आपको नजर नहीं आएगा। देखें इसके हैंडल में अच्छी जगह, खड्डे वाली जगह, तो उसमें ये वाली जगह सबसे पहले खराब होती है। भाई आउट हो रहा है तो भाई ने बल्ला फेंक दिया, भाई आउट हो रहा है तो भाई ने बल्ला दीवार पे मार दिया, हो गया तो भाई ने बल्ला सर पे मार दिया। बल्ला बॉल पे मारने के लिए आप अगर रावला कोर्ट में जाते हो ना, आपको इतना बॉटम मिलेगा, काफी लोग सेंटर से दो हो जाता है, ये जल्दी टूट जाता है। रावला कोर्ट बहुत लंबा चलता है। ये भी कुछ बता दें यार, कौन से प्लेयर हो जाएगा ओरिजिनल, और पहचान भी बता दें। इसका स्टिकर उतार तो नहीं, देखें ये देखें। और अभी जो कंपनी भी तस्वीरें चला रही है, आराम से हाथ में लगे और फिर बॉल लगे और गए। डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ये था, बस एजुकेट करना था, क्योंकि मैं भी अगर जाता हूँ ना, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये किसी हाँ, की नहीं है, ठीक है। मैं जाता हूँ, मुझे पता नहीं होता था, हमारे कस्टमर का माइंड सेट हो जाएगा कि बैट में लेना क्या है। रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था, बिल्कुल नया हो गया। इसमें यहाँ पे खड्डे थे, यहाँ पे खड्डे थे, यहाँ पे स्टिकर्स लगा हुआ था, बिल्कुल नया हो गया। मैं फिर शिकायत भी करूंगा ऑनर से, जेडी वाले से, कि अपने बैट में कोई ऐसी। अस्सलाम वालेकुम अनिल भाई, माइक आप लगा ले। जब भी बैट लेने जाते हैं तो पता नहीं होता है किस तरीके से खरीदे, लाइक क्या बोलना चाहिए दुकानदार को, हमें मालूम होनी चाहिए बैट के बारे में। मैं कस्टमर हूँ, मुझे फुल कैन हैंडल बैट चाहिए, फुल कैन तो मुझे पता ही नहीं, छक्के मारने वाला बैट चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहली बात तो मैं कॉन्सेप्ट सेट करना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स का, छक्का बैट नहीं मारता है। प्लेयर होगा ना जी जान से खेलने वाला, तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप 15,000 वाले बैट से खेल रहे हैं, 1500 वाले बैट से खेल रहे हो। उसके लिए बैट जहाँ उसके हाथ पे सेट हो गया तो सिक्स लगना ही लगना। काफी हद तक इजी हो जाता है, फिर भी प्लेयर्स के लिए बैट सेट होने की मैंने आपको यही कहा ना, जो प्लेयर होगा वो किसी भी चीज से फिर सिक्स मार देगा। जो खेलने वाला होता है, जो बॉल को जानता है कि बॉल किस एंगल से आ रही है और किस एंगल से फिर इसको बाहर निकालना है। नेक्स्ट आ गए कि हम बैट किस तरह सिलेक्ट करना चाहिए, तो बैट में सबसे पहले आप ये माइंड बना के आओ आपको बैट किस तरह का चाहिए। आप ब्लैंक माइंड आ गए हो कि आपको बैट चाहिए, 3500 वैरायटी आती है। बजट को देख के, हम बजट को देखो, सबसे पहले आप आके ये बोलो क्रिकेट बैट किस तरह का, लाइट वेट या शॉर्ट हैंडल या वेटेड चाहिए या लॉन्ग हैंडल में चाहिए, फुल कैन में चाहिए। खैर फुल कैन का तो कस्टमर को भी आइडिया है ही नहीं, फुल कैन वगैरह ये हम वीडियो में एजुकेट करते रहेंगे। हाँ ये इनको मैं आपको बताता हूँ, और बस कस्टमर आके जरा ये अपना माइंड सेट बताए ना कि इनकी रेंज क्या है, और बैट शॉर्ट हैंडल में चाहिए, लॉन्ग हैंडल में चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, चौड़े ब्लेड में चाहिए, या क्या हिसाब किताब है, वो सब जब हमको बताएगा हमको बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद अब आगे कस्टमर बैट किस तरह चेक करें वो भी मैं आपको उसके बारे में भी पूरी तरह गाइड करता हूँ। सबसे पहले अगर वो ले रहे हैं रावला कोट का बैट, ये रावला कोट है प्लेन में, अमूमन यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे फीलिंग होती है, कस्टमर का ये माइंड सेट है कि चौक का बैट है। सबसे पहले तो मैं ये गलत फहमी कह लो दूर कर दूं कि चौक का बैट नहीं बन सकता। आती सफेद लकड़ी, एक आती है जो लकड़ी अपने कलर में होती है, जो साइड की लकड़ी होती है दरख्त की, वो वाइट कलर में आएगी आपकी। जो सेंटर का जो एरिया होता है वो आपको प्लेन साफ सुथरा ग्रेन्स वाला नजर आएगा। साइड के एरिया में ग्रेन्स नहीं होते, जिस तरह साइड की लकड़ी का बैट है। हाँ वो सस्ता जो होता है वो सेंटर की लकड़ी का बैट आता है, जो सस्ता होता है वो साइड की लकड़ी का, जो अच्छा बैट है वो फिर सेंटर की लकड़ी का आता है। वजह ये कि सेंटर की जो लकड़ी होती है वो लाइट वेट होती है। ये बैट भी रावला कोट है। अच्छा, वुड जो है, वुड बेसिकली रावला कोट एक एरिया का नाम है, वहाँ से ये वुड आ रही है, रावला कोट कश्मीर में वहाँ से वुड आ रही है। और उसके बाद जो दरख्त कटता है ना, कटिंग में साइड की लकड़ी है वो अलग हो जाती है, जो सेंटर की क्लेफ्ट है वो अलग हो जाती है। साइड की लकड़ियाँ उनका बैट बन जाता है आपका हल्का, जो व्हाइट कलर में आता है ज़्यादा, वो व्हाइट इतना होता है कस्टमर कहता है जी चौक का है, चौक का कोई बैट नहीं होता। चौक का बैट वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही कर दो, क्योंकि चौक का बैट बन ही नहीं सकता। अब आ जाए नेक्स्ट पे, तो हैंडल पे आ जाते हैं। हैंडल सबसे पहले नए बंदे को समझाना बहुत ही मुश्किल है। हैंडल में रबर्स नज़र आ रहे हैं आपको? ये केन की निशानी है, केयर हैंडल है। जो हल्के बैट हैं उनमें आपको नजर नहीं आएगा। देखें इसके हैंडल में, ये सादा लकड़ी से गोल हुआ हुआ है, कट्स भी नहीं है इसके। ये बिल्कुल डंडा हैंडल है, बिल्कुल नॉर्मल। इसमें एक हाफ केन भी आता है, जिसमें सेंटर में
लकड़ी होती है, साइड पे कैन होता है, उसमें भी लचक आती है। अगर फुल कैन, अब फुल कैन का फायदा क्या है ये भी सुनो आप, फुल कैन का फायदा क्या है। जब नॉर्मल डंडा हैंडल का बैट बनता है तो बॉल स्पीड में आती है ना, इतनी स्पीड में बॉल आती है, बैट उसकी पावर को बर्दाश्त नहीं करता है, बैट टूट जाता है। कहाँ से जाता है? हैंडल से जाता है। यही सवाल वो हैंडल से जो जाता है, फुल कैन हैंडल की शिकायत नहीं है कि हैंडल से चला जाए, जाता ही डंडा हैंडल है। उसकी वजह ये कि उसमें लचक ही नहीं है, डायरेक्ट बॉल आती है, ब्लेड को हिट करती है, ब्लेड अलग हैंडल अलग। अब इसमें ये है, जब बॉल, एक तो बैट लकड़ी अच्छी, उसके बाद हैंडल अच्छा। अब जितनी स्पीड से बॉल आएगी ना, वो ब्लेड को तंग नहीं करेगी, वो हैंडल में लचक होगी, ब्लेड थोड़ा सा पीछे जाके बॉल को भी मार लेगा। जब इसमें लचक होगी तो खेलेगा, वो बॉल को निकाल के बाहर फेंकेगा। तो ये वजह है बेसिक फुल कैन हैंडल लगाने की। एक और सवाल मैं एक पूछूंगा, बैट टूटते क्यों? ये भी काफी लोग पूछते हैं, बैट टूट जाते हैं, हम लेके जाते हैं 15,000 का, 12,000 का, 10,000 का बैट। सबसे पहली बात कि ज्यादा किसी भी चीज के साथ होती है तो वो रगड़ा खाएगी खराब होगी, सबसे जो फर्स्ट बात है। दूसरी बात ये है कि नेचुरल आइटम है, कोई हैंडमेड आइटम नहीं है। जिस तरह प्लास्टिक होता है, लोहा होता है, तो ये हाथ से हम शेप दे देते हैं, ये लकड़ी है, नेचुरल है, दरख्त काटा उसमें से निकली। अब इसकी हम किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे सकते। आपकी वारंटी किस चीज़ की होती है? किसी भी किस्म की नॉर्मल कंपनीज देती हैं कि हैंडल की वारंटी है, फलानी वारंटी है, हम किसी चीज़ की ना कोई गारंटी देते हैं ना वारंटी देते हैं। ये ओपन बात अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि बात की किसी भी बात से हम आज़ाद रहें। अब आ जाएं अगली तरफ, बैट क्यों टूटता है? लकड़ी है, कभी किसी तरह की बॉल आती है, किसी तरह की बॉल आती है, हर बॉल को फेस नहीं कर सकता, फुल टॉस से अमूमन बैट जाता है। आ रहा हूँ ना उस तरफ भी आ रहा हूँ आपके, कि ये बॉल हिट कुछ बर्दाश्त कर जाता है, कुछ नहीं करता। टी वाले पथरीली जगह पे खेलते हैं, सबसे पहले बॉटम से जाता है। आप एक प्रॉपर जो इसका प्लेइंग एरिया होता है वहाँ पे खेलो, पिच पे खेलो, इसको रोड पे नहीं खेलो। आप रोड पे यानी कि प्रॉपर देखो, जहाँ पे प्लेन रोड बना हुआ चलेगा। एक अगर आता है ना एक कच्ची जगह, खड्डे वाली जगह, तो उसमें ये वाली जगह सबसे पहले खराब होती है। हालांकि नीचे पॉलिश आपको केमिकल लगा के दिया मैंने, आपने महंगे बैट में लगा के दिया, हल्के बैटों में। अच्छा, हल्के बैटों में भी आप आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैट पे ज्यादती क्या होती है? जब यार आप पैसे खर्च करोगे ना तो आपको कदर होगी एक चीज की, वो टीम को कदर नहीं है इस चीज की। वो आपने अपने लिए बैट लिया, टीम ने उसकी रगड़ के ऐसी तैसी पहली बार नहीं करी। भाई आउट हो रहा है तो भाई ने बल्ला फेंक दिया, भाई आउट हो रहा है तो भाई ने बल्ला दीवार पे मार दिया, भाई का फटा होगा तो भाई ने बल्ला सर पे मार दिया। बल्ला बॉल पे मारने के लिए, बस तुम कभी सीमेंट पे दीवार पे मार रहे हो, कभी पिच पे मार रहे हो, कभी विकेट पे मार रहे हो। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, बेहतरीन लकड़ी कौन सी है? मैंने खेलना है, पैसे भी हैं, बजट भी है, अब आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, रावला कोट या कोकोनट? बताता हूँ उसमें कोकोनट और रावला कोट में फर्क क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं कोकोनट पे। कोकोनट बेसिक पाकिस्तान की लकड़ी नहीं है, ये है श्रीलंका की लकड़ी, कोकोनट के दरख्त की। और इसमें खास बात यह है, बॉटम भी अच्छा बन जाता है, ये लाइट वेट लकड़ी है, इसकी खास बात यह है। हाँ, आप अगर रावला कोट में जाते हो ना, आपको इतना बॉटम मिलेगा, आपको नॉर्मल ये बैट तो खैर बगैर होल का है। रावला कोट में 80% जो बैट आते हैं, 85% वो होल वाले आते हैं। वजह यह है, रावला कोट थोड़ी सी वेटेड लकड़ी है, हेवी लकड़ी है। हाँ, वो रिड्यूस करने के लिए, वेट की वजह से, वेट रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पे करते हैं होल। अब कोकोनट की तरफ आ जाए तो कोकोनट में ना हमको सुराख करने पड़ते हैं, कोकोनट लाइट वेट है इसलिए वो हैवी बॉटम भी बन जाता है, इसमें बॉटम वाला बैट भी नहीं मिलेगा आपको इतना। मगर यही वजह है, इसको जरा आप थोड़ा सा सेकंड पे भी लेके जा रही है, मगर इस टाइम भी राज कर रहा है कोकोनट। इसमें ये है, सॉफ्ट होने की वजह से, लाइट वेट होने की वजह से इसमें ब्लेड में टूटने की शिकायत है। ये काफी लोग कह रहे हैं सेंटर से दो हो जाता है, ये जल्दी टूट जाता है, रावला को बहुत लंबा जलता है। रावला को मैंने तो आपको बताया ना वजह, वो वेटेड लकड़ी है और पक्की लकड़ी है। रावला को बाद में गली मोहल्ले के क्रिकेट के लिए, कोकोनट में उनका क्या होता है, नॉर्मल सिंगल हाथ में जब तक बैट रहता है ना सिकंदर, वो चलता है, बाकी गारंटी किसी चीज की नहीं, पहली बॉल की भी गारंटी नहीं। अब आते हैं थोड़ा, आप इससे प्यार से मोहब्बत से खेलो, सिंगल हाथ में रखो, कवर लगाओ, प्रोटेक्टर लगा के रखो। देखो मेहरान को, मेहरान कार है, उसको किस तरह रगड़ा जाता है, और एक करोला है, लैंड क्रूजर है, उसको किस तरह चलाया जाता है, ऐसा ही है, वैल्यू ऑफ मनी होती है। जब आप इसको प्यार से चलाओगे तो ये आपके साथ चलेगा,
इसको आप प्रोटेक्टर शीट लगाओ, ग्रिप डबल करके रखो, सिंगल हाथ में रखो, कहीं नहीं जाएगा। ये भी कुछ बता दें यार, कौन से चले जाएगा, ओरिजिनल और भी पहचान भी बता दें। ओरिजिनल में अभी कंपनी से मेरी इस बात पे जरा प्रॉब्लम चल रही थी कि इन्होंने इम्बोज स्टिकर जो था ना लास्ट टाइम पे, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट वीडियो बनी थी मेरी जीडी, उसमें टोटल इम्बोज स्टिकर लगा था। मैं इसका स्टिकर उतारता हूँ, ये देखें, मैंने प्रोटेक्शन आगे लगाई होती है कि ब्लेड पे कोई निशान ना लगे। ये देखें, अब आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं, इन्होंने स्टिकर बिल्कुल प्लेन कर दिया। जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था ना, वो स्टिकर इम्बोज था, और अभी जो कंपनी भी तस्वीरें चला रही है, कंपनी पे जो तस्वीरें चल रही है, हाँ, कंपनी से आप अगर रब्ता करते हैं ना तो तस्वीरें मिलती हैं, वो आती है इम्बोज स्टिकर की, मगर माल आपको इम्बोज पे नहीं मिलेगा। फ्रंट का स्टिकर ये भी इम्बोज था, मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा पैट। ये मेरे पास पुराने स्टॉक में एक पीस पड़ा है, आप अपने व्यूअर्स को दिखा के हैं कैमरे के पास से जाके, पहले दोनों ओरिजिनल है, मैं बताता हूँ फर्क भी बताऊंगा। देखो इस पे इम्बोज स्टिकर है, स्टिकर दोनों में लगा हुआ है, एक इम्बोज है एक प्लेन है। प्रॉब्लम ये हो गई थी कंपनी को, जो इनका स्टिकर प्रिंट हो रहा था जहाँ पे था, जो इम्बोज स्टिकर था तो बंदा बना के दे रहा था, उसने पूरी मार्केट में देना शुरू कर दिया, यानी कि सियालकोट में भी दे रहे हैं, हर नॉर्मल मेकर को भी, और आगे हर बंदे को देना शुरू कर दिया ये इम्बोज स्टिकर। अब मेरी जेडी के ऑनर से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं श्रीलंका गया, उनकी श्रीलंका से भी शीट आके इसके ऊपर प्रिंटिंग हो रही है, ये मार्केट में है, मेरे पास इंशाल्लाह माल आएगा, कि जेडी ओरिजिनल में और लोकल में कोई फर्क ही नहीं होगा, आ रहा है मेरे पास वो भी माल सितंबर नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह। सेम टू सेम उन्होंने जेडी बना दिया, अब उसकी भी वो आने दो, फिर रेट में फर्क होगा, हाँ रेट में फर्क होगा, कम हाँ उसकी भी मैं फिर शिकायत भी करूंगा कम ऑनर से, जेडी वाले से, कि अपने बैट में कोई ऐसी खास चीज रखें जिससे जिससे कि फर्क डिफरेंशिएट आराम से हो जाए। वो आगे बात की बात, अभी ये है इनके जो फ्रंट पे है, जो फ्रंट है ये पूरी केमिकल कोटिंग हुई होती है, और अच्छी खासी मोटी केमिकल कोटिंग होती है जिससे ब्लेड सेफ रहता है, आपका ब्लेड फटेगा नहीं, आपका बैट नीचे से नहीं फटेगा। नीचे देखो केमिकल कोटिंग कितनी मोटी लगाई है, 2 mm की लगाई है, ये 2 mm मोटी केमिकल कोटिंग लगी हुई है नीचे, जी उसके बाद नीचे भी बैंडेज हुई है, ऊपर भी बैंडेज हुई है, इससे आपका बैट हैंडल भी पतला लगा हुआ है, आराम से हाथ में लगे और फिर बॉल लगे और गए। अब इसमें एक और वेरिएंट भी था, इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाएंगे ना, मेरे पास थोड़ा माल अभी आता है, फिर आपको हाँ स्पेसिफिकली जो जेडी के ऊपर आ रही है, जेडी जी ए साकी में आ रही है इंशाल्लाह, थोड़ा सा रुक जाओ, आपको साकी में भी एक वैरायटी और से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जेडी में भी एक वैरायटी और से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा, ये डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ये था, बस एजुकेट करना था, क्योंकि मैं भी अगर जाता हूँ ना, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं जाता हूँ मुझे पता नहीं होता, हमारे कस्टमर का माइंड सेट हो जाएगा कि बैट में लेना क्या है, लेना क्या है, और बैट समझ जाए एक दफा बैट क्या चीज है। अब वाइंड अप करते हैं हम इस सिलसिले को, और बाकी कोई भी कस्टमर्स को शिकायत हो या कोई बात पूछनी हो तो बिल्कुल रब्ता करें, कमेंट आप कर दें, अगर आपको इनसे कुछ मालूम लेनी है, मैं वो मैंने उस पर नेक्स्ट वीडियो अगर जैसे ही मौका मिलेगा मुझे आएंगे, मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद है वही है कि अच्छे से अच्छे आपको गाइड कर सकें, बेसिक ये है, थोड़ा खरीदे भले यहाँ से नहीं है, कहीं और से भी खरीदे, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए। अब वजह ये है रश के दिन है और वर्ल्ड कप आ रहा है, रश के दिन है, और मैं वैसे आउटडोर पे होता हूँ, मैं शॉप पे नहीं होता हूँ, अब वो कस्टमर्स डायरेक्ट कॉल आ रही है या मैसेज हो रहा है, तो मैं ज़रा माजरत करना चाहता हूँ कि जिनको फ़ौरन जवाब नहीं मिल पाता है कि मैं शॉप पे नहीं होता हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करें, हाँ चीज़ों को थोड़ा देखें, नंबर वही आपको जो पहले चल रहा था 0333220809 सिंपल सा नंबर है, लोकेशन मेरी आपको पहले भी मालूम है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी बता देते हैं, लाइट हाउस एमएजीना रोड कराची, और मेन मज़ार के बिल्कुल सामने है, और बाकी मैप पे भी लोकेशन पिन है, इंस्टाग्राम भी है आपके पास हनीफ स्पोर्ट्स का, इंस्टाग्राम पे हनीफ स्पोर्ट्स भी मिल जाएगा आपको। देखिए आज की वीडियो हमारी बेट्स के ऊपर, जो कि मैं चाह रहा था कि बना लूँ कि आप बेट लेने जाएंगे तो आपको ये मालूम होनी चाहिए, अगर ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को और कमेंट करके बता देंगे और कौन सी बनाएंगे। ये बैट रेडी हो रहा है इस टाइम पे, इसके ऊपर अभी स्टिकर्स नहीं लगे हुए, स्टिकर्स नहीं लगे इसके ऊपर, ये देखें एक मैंने माशाल्लाह अपने ब्रांड लॉन्च कर दिया, इसके बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, थोड़ा आने वाला है, कमिंग सून।
नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये बेड रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था, बिल्कुल नया हो गया। इसमें यहाँ पे खड्डे थे, यहाँ पे खड्डे थे, यहाँ पे स्टिकर्स लगा हुआ था, बिल्कुल नया हो गया। इसके ऊपर अभी पॉलिश रेडी हो गई, पॉलिश देखो, देखिए पॉलिश रेडी है इस पर पॉलिश लगने के लिए। जो पॉलिश लगेगी बेड बिल्कुल नया हो जाएगा। और उसके बाद ग्रिप लगेगी इसके ऊपर, बल्ला रेडी है। और अगर किसी को कोकोनट है उसकी वो बता दी, देखिए गेंद देखें। और किसी को अगर अपने नाम में बल्ला बनवाना है, अपना नाम लगवाना है, तो भी हो जाएगा।